सो लास्ट वीडियो में हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर करना है, टाइम बहुत लग रहा है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टाइम ज्यादा लग जाए, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको लगे यार ये तो फ्री में अवेलेबल है, वीडियोस फ्री में देख लेंगे, और मैंने बोला कई सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि फ्री की चीज की लोग वैल्यू नहीं करते, पर आपको पता है मैं अंदर से क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा हूं कि हो सकता है आपने मुझे लाखों रुपया दिया हुआ है, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हुए, आपको फ्री में सिखा रहा हूं, बट फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर आपने लाखों रुपया दिया भी होता तो मैं आपको क्या वैल्यू दे रहा होता। और दूसरी चीज, आपका जो टाइम है ना वो लाखों रुपए से भी ज्यादा कीमती है, तो अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हो यू शुड गेट द अटमोस्ट वैल्यू। ये मेरे दिमाग में है, अब आपके दिमाग में क्या है, आप सोचो आपके लिए वीडियोज लंबी हो सकती है, आपको लग रहा है यार बड़ी लंबी वीडियोज होती है पुष्कर की, अगर वीडियोज लंबी हो रही है आपके लिए आप उसे 2x पे सुन सकते हो, 1.5x पे सुन सकते हो, पर जब मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं तो बैठ भी नहीं था, मैं आपके लिए खड़े होकर वीडियोस बना रहा हूं, सी अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं और मेरे लिए लंबी नहीं हो रही है तो आपके लिए शायद लंबी नहीं होनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए। अब लास्ट वीडियो में हमने बोला कि बात इनकम्प्लीट रह गई थी, यही वो लास्ट वाली वीडियो से ही हम कंटिन्यू करेंगे बात को, कि हमने डेल्टा और थीटा को अपने फेवर में यूज करना है एंड हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आती है योर स्ट्राइक सिलेक्शन, एंड अब मैं इसके अंदर ना स्ट्राइक सिलेक्शन के ऊपर एक और चीज के ऊपर जाऊंगा जिसके ऊपर लोग कम बात करते हैं। हमने बात करी थी, हम कुछ स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे जिनसे आप डेल्टा और थीटा को अपने फेवर में भी यूज करोगे, मजा आएगा ना, चलो आज मजे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अब हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करने वाले हैं, स्ट्राइक्स क्या होती हैं? अभी आपने लास्ट वीडियो में समझ ही लिया, एक हमारे लिए एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी है, ठीक। सो अब अगर आपको खरीदना है तो आपको क्या खरीदना है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर दे देता हूं, अगर आपको खरीदना है आप वन स्ट्राइक इन द मनी खरीद लो। अब ये क्या होता है, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर दे दिया, बट इसके बाद जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। सो यहां पर आ जाइए, हम लैपटॉप में आ जाते हैं, सो ऑप्शन चेन में खोल लेता हूं आपके लिए, जस्ट लुक एट दिस, ओके ओके, सो लुक एट दिस। अगर मैं कह रहा हूं एग्जांपल के लिए एट द मनी आपको दिखता है 18,250 पे है, सो 250 पे अगर आपको एट द मनी दिख रहा है, सो व्हाट यू विल डू, जस्ट बाय वन इन द मनी। तो अगर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड करना चाहते हो तो 18,200 जो आपको दिख रहा है ये 151 रुपीस का, आप ये खरीद लीजिए, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा कैसे होगा वो आप खुद इसके ऊपर ना, आज मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगा कि आपको मजा बहुत आएगा, आप बैठोगे आप पैसा कैलकुलेट करोगे, मजा आने वाला है, मतलब ये क्लियर है अभी मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के बाद पैसा तो डेफिनेटली आप बाद में कमाओगे, आपको मजा बहुत आएगा कंसेप्ट समझ के, ओके। सो मैंने आपको बोला जस्ट वन इन द मनी खरीद लो, खरीद रहे हो तो, और पुट साइड पे वन इन द मनी ही आप यहां पे भी बाय कर लीजिए। सो अगर आपको एट द मनी दिख रहा है आप वन इन द मनी जाके खरीद सकते हो। तो इससे होगा क्या, आप पहली बात तो डेल्टा को देखिएगा, यहां पे मैं यहां पे आ जाता हूं सो दैट आई कैन शो यू। सो थोड़ा सा फर्क आपको क्यों दिख रहा होगा 18,200-250 में, ये ऑप्शन पे मैंने ऑप्शन चेन खोली हुई है, एनएससी पे खोली हुई है, सो आपको पता है कुछ मिनटों के बाद अपडेट होता है। सो यहाँ पे 270 पे मार्केट क्लोज हुई, तो क्लोज टू दोनों 250 और 300 270 के क्लोज ही है, तो दोनों को एट द मनी आप कंसिडर कर सकते हो, अभी समझिए। अगर हम वन इन द मनी की बात करेंगे तो यहाँ पे वन इन द मनी अगर आपको 250 दिख रहा था और वहां पे 54 का डेल्टा था तो यहां पे 60 का डेल्टा आपको मिल रहा है, तो डेल्टा आपको ज्यादा मिल रहा है। और अगर आप यहां पे इन द मनी जाएंगे तो वन इन द मनी आपके लिए क्या हो गया, यहां पे भी 61 का डेल्टा हो गया, तो आपको 60-60 का डेल्टा आपको मिल रहा है आपके फेवर में। आप डेफिनेटली थोड़ा सा ही पैसा एक्स्ट्रा देते हो, जो आपका एलटीपी होता है वो थोड़ा सा डेफिनेटली ज्यादा होता है, पर अगर मूवमेंट आएगी आपकी डायरेक्शन में तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। दिस इज वन थिंग जस्ट बाइंग के लिए सिंपल सा लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ रहे हैं, हम आगे ये बढ़ रहे हैं कि हमें अभी थीटा को भी अपने फेवर में यूज करना है। अब यहां से कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है, आपने चार्ट देखे, अभी हम चार्ट देखेंगे डेफिनेटली, प्राइस यहां से शुरू होता है, प्राइस ऊपर जाता है, आपको फायदा होता है, आपने बाय कर रखा है, बट इसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा टाइम पास करना शुरू करती है, तो आप क्या देखते हो, आपने बाय किया हुआ है, इस पॉइंट पे आपने बाय किया था, ऑल दो कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ गया है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ गया है, ऊपर गए नीचे आ गए, ऊपर गए नीचे आ गए, कुछ इस तरीके से मार्केट ने मूव किया, कुछ पॉइंट का डिफरेंस भी आ गया, बट पैसा तो बना ही नहीं,
ऐसा तो बना ही नहीं, आपने सुबह सुबह मान लीजिए आपने 9:30 पे एंट्री मारी सुबह सुबह 9:30 AM पे, बट अब आप 2:30 बजे आके देखते हो कि यार मार्केट कुछ पॉइंट मूव भी कर गई, जहां से मैंने लिया था उससे कुछ पॉइंट मूव करी है, बट फिर भी पैसा तो बना ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप बाय करते हो थीटा आपके अगेंस्ट में चलता है, थीटा आपके अगेंस्ट में चलता है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे टाइम निकल गया थीटा कम हो जाएगा। थीटा कम क्या हो जाएगा? जो आपका प्रीमियम होता है, जैसे आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम को धूप में रख दो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी। तो प्रीमियम भी है ना मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है आपका। तो जैसे आइस क्यूब का एग्जांपल लेते ना, आइस क्यूब, अगर आइस क्यूब जो है जैसे जैसे वो धूप में रहेगी या बाहर रहेगी तो आइस क्यूब पानी बन जाएगी, थीटा मेल्ट हो जाएगा। और मैंने बोला आउट ऑफ द मनी तो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू के अलावा कुछ है ही नहीं। अब आपने कुछ खरीदा, आउट ऑफ द मनी खरीदा, आउट ऑफ द मनी खरीदा, और जैसे आपने खरीदा उसके बाद क्या हुआ कि खरीदने के बाद मार्केट ऊपर भी गई, कुछ प्रॉफिट हुआ भी, बट जैसे जैसे टाइम निकल गया, खासकर वेंसडे और थर्सडे को आपको जबरदस्त थीटा डिके मिलेगा। जबरदस्त मतलब जबरदस्त। फ्राइडे को उतनी जल्दी वो आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो रहा, फ्राइडे को आपका प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा, बट वेंसडे और थर्सडे, थर्सडे को एक्सपायरी है, दोनों ही दिन बहुत तेजी से थीटा कम होता है। तो अगर मार्केट कुछ पॉइंट बढ़ी भी तो भी कोई पैसा नहीं होगा। और मान लेते हैं 18300 आपने खरीदा था जब मार्केट 18300 पे ही थी और 2:30 पे ही मार्केट 18300 पे है, तो आपको रिटर्न्स नेगेटिव में दिख रहे होंगे, मतलब प्रॉफिट की जगह लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट में। तो बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% थी, हमने ये डिस्कस किया था। अब एक चीज है, अगर आपको अपने थीटा को फेवर में यूज करना है तो आपको सेलर बनना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा, मजा बहुत आएगा। आपको सेलर बनना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं यार क्यों, क्योंकि सेल करने में पैसा ज्यादा लगता है। लेट मी शो यू फर्स्ट, जो लोग नए हैं वो पहली बार देखेंगे बट मजा तो बहुत आएगा आज की वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, देखते हैं। आपको अभी बता रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखनी है ना तो जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये एपिसोड्स बन रहे हैं आपके लिए, ये एक बहुत अच्छे लेवल का प्रीमियम कंटेंट है। लोगों को बहुत टाइम लगा के ये सब कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत जल्दी इमीडिएट लेवल पे मिल रहा है। अब कंसेप्ट की क्लैरिटी और हो जाए तो मजा आ जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी मैं आपको दे रहा हूं। और देखो मैं तो ये मान के चल रहा हूं भैया आप तो जैसे कि किसी पेड कोर्स में हो इस वक्त, पर आपको फ्री में मिल रहा है, आपको उसकी वैल्यू करनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो शेयर भी करना है, ठीक है। तो ये मैं सेंसिबल पर आ गया हूं। यहां पर आप देखिए सेंसिबल पर आपको क्या है, यहां पर फीचर मिलता है, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। तो अभी हम स्ट्रैटेजी के ऊपर तो हम बात करेंगे। अभी हमने सिंपली बाय कॉल किया, मैं बुलिश हूं मार्केट को लेकर, मैंने बाय किया कॉल, तो अभी क्या करेगा वो एट द मनी को ही खरीद लेता ऑलमोस्ट। तो 260 या 270 के आसपास मार्केट है तो इसने 250 खरीद लिया, ठीक है, 250 खरीद लिया इसने ऑटोमेटिकली। सो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जैसे हमने बात करी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी क्लोज टू 33% पे 37% दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप बेरिश होते मार्केट को लेके और आप पुट खरीद लेते तो यहां पे 30% दिख रहा है। सो वो 33 के आसपास घूमेगा, वो मैंने आपको बता दिया पहले। सो यहां पे अगर आप यहां से कहते हो कि आपको मार्केट ऊपर जाती हुई, आपको आपकी एनालिसिस कहती है मार्केट ऊपर जाएगी एंड यू जस्ट परचेज्ड वन लॉट, तो एक 121 रुपीज का यहाँ पे आपको इसका प्रीमियम की वैल्यू है, मतलब LTP इसका 121 रुपए का होगा और 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6053, मतलब लगभग 6050 रुपए आपके लग रहे हैं, 6053 रुपए। अब यहां पर आप देखिए ब्रेक इवन हमारे लिए क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है प्लस आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हो, ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। तो निफ्टी को यहां से 0.6% ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ओके कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपके रिटर्न आने शुरू होंगे। यहां पे मजेदार चीज क्या होती है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम, जो आप मैक्स प्रॉफिट देखोगे अनलिमिटेड दिखता है। अनलिमिटेड क्यों दिखता है यार, मार्केट तो कितनी भी बढ़ सकती है और कितनी भी गिर सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्केट कितनी भी बढ़ सकती है कितनी भी गिर सकती है। दूसरी चीज, अभी हम एक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, एक एक्सपायरी मतलब थर्सडे तक मार्केट कितनी बढ़ सकती है इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है।
सो अगर मार्केट यहां से बढ़ जाती है, सो देखिए ये अगर ऊपर चला गया और ये निफ्टी पहुंच गया एग्जाम्पल के लिए आपको दिखता है 18,800 पे पहुंच गई जो कि अभी 270 है। सो आपको एक्सपायरी के दिन सिर्फ एक लॉट आपने दिए थे 6,000 रुपए, बट आपको प्रॉफिट कितने का दिखाएगा, आपको दिखाएगा जी 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर हमने क्या बात करी, इसमें थीटा अगेंस्ट में चलता है। थीटा अगेंस्ट में क्या चलता है कि अगर मार्केट ने टाइम पास किया या मार्केट साइडवेज हो गई तो ये 121 रुपए अपने आप कम होता रहेगा, और मार्केट बढ़ी नहीं तो ये जीरो भी हो जाएगा। ओके, सो थीटा आपके फेवर में नहीं है। सिमिलरली अगर आप बेच के चलना चाहते हो, आप सिंपली पुट बाय कर सकते हो जो कि अभी 82 रुपीज का है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वहां पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। अब हम क्या देखते हैं, ये हल्का सा आपको आउट ऑफ द मनी दिख रहा होगा, 270 के आसपास 250 की बात करी, बट अगर हम बात करें जहां से मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, जैसे कि 300 से गिर चुकी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हल्का सा बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप इन द मनी को ऑप्शन खरीदोगे ना, तो मैंने आपको बोला था वन स्टेक इन द मनी खरीदना, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हल्का सा इंप्रूव हो जाएगा, ज्यादा नहीं हल्का हल्का इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि लूज होने के चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी, बस इतना सा कंसेप्ट समझो। बट वो आपको महंगा पड़ता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो महंगा होता जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमने सिंपली पुट बाय किया था और मार्केट के गिरने पे हमें फायदा होता, अगर मार्केट गिर जाए, मान लो मार्केट चली जाए 17,700, तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए लगा के 23,000 रुपए का बेनिफिट हो सकता है एक्सपायरी के दिन। ओके, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, अगेन इस जगह पे थीटा हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाएगा, और मार्केट अगर मूव नहीं कही तो ये जीरो हो जाएगा। कंटिन्यू, यहां पे कुछ स्ट्रैटेजीज आती है। अब स्ट्रैटेजीज क्या आती है, पहले तो हम सेल करके चलते हैं, अब हम देखते हैं सेलिंग में क्या होता है, फिर हम स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। अब अगर हमें अपने थीटा को फेवर में यूज करना है, तो थीटा को फेवर में यूज करने के लिए अगर मैं बुलिश हूं, सो इधर आई कैन बाय अ कॉल ऑप्शन और आई कैन सेल अ पुट ऑप्शन, ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। मैं यहां पे अगर सेल करने जाता हूं, अब कमाल की चीज देखो, बाय करने में लग रहे हैं फंड्स नीडेड, वहां पे फंड्स नीडेड देखिए, फंड्स नीडेड है 6,053 रुपए खरीदने के लिए कॉल ऑप्शन को, बट अगर मैं पुट ऑप्शन को बेचने की बात करूंगा तो फंड नीडेड है 1,00,000 रुपए। दूसरी चीज कमाल की चीज देखो कि यहां पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 4,000 रुपया कमा सकता हूं, सिर्फ 4,000 रुपए कमा सकता हूं, और यहां पे मैं अनलिमिटेड कमा सकता हूं। लोगों को ये अट्रैक्ट करता है, बट आज और आने वाली जितनी भी मैं इस चैनल पे वीडियोस डालने वाला हूं, मैं आपको एक चीज हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप समझ लो इस चीज को, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस मायने नहीं रखता। यहां पे दोबारा से समझा रहा हूं, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस मायने नहीं रखता, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मायने नहीं रखता। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यहां पे कॉल ऑप्शन खरीद के मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 37% है, पुट ऑप्शन बेचते ही मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% है, और अगर किसी चीज में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 90% प्लस है, तो आप एक चीज को ध्यान रखना, अगर किसी चीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 90% से ज्यादा है, बारिश होने की संभावना 90% है, तो बारिश हो सकती है और हो जाएगी भी। अगर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी 92% है, तो पैसा बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पैसा बनेगा, ज्यादातर टाइम पैसा बनेगा, चाहे वो पैसा कम बनेगा। अब आप कहोगे लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है, तो रुको यार, अभी तो सीरीज शुरू हुई है, अभी तो इस एपिसोड में आप जो सीख रहे हो ये भी पीनट्स है सर, अभी हम पीनट्स का इसका बटर बनाएंगे, फिर मसल्स बनाएंगे पीनट बटर की, कहने का मतलब है अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी आप सिर्फ अभी ऑप्शन ट्रेडिंग की हमने शुरुआत करी है, अभी आगे बहुत मजा आने वाला है। ये जो सेंसिबल सॉफ्टवेयर है ना, ये एक स्ट्रेटजी बिल्डर सॉफ्टवेयर, कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ये डेफिनेटली पेड सॉफ्टवेयर है, बट इसकी यहां पे जो मैं अपनी स्ट्रेटजीज भी बनाता हूं, मैं इस सॉफ्टवेयर से बना के यहीं पे एग्जीक्यूट कर देता हूं, और यहां पे एक कमाल की चीज है, दैट इज वर्चुअल ट्रेडिंग। वर्चुअल ट्रेडिंग इज लाइक पेपर ट्रेडिंग। सो वर्चुअल ट्रेड क्या होता है कि अगर आप अभी नए हो और आपको चेक करना है कि भैया मैं अभी प्रॉफिट बनाऊंगा या लॉस बनाऊंगा, तो आप वर्चुअल ट्रेड भी मार सकते हो। और यहां पे क्या करता है, जैसे
आपके जो भी फंड्स अवेलेबल होंगे, एग्जांपल के लिए मेरे इस वाले अकाउंट में भी 6 लाख रुपए यहाँ पे पड़े हुए हैं, 6,70,000 रुपए पड़े हुए हैं, ये अपने आप ही आपको बता देगा आपके मार्जिन कितना अवेलेबल है, कितने पैसे लग रहे हैं, और फिर आप यहीं से ट्रेड मार सकते हो। सो अगर मैं अपने कॉर्पोरेट अकाउंट से ट्रेड मारता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा कि भी कितने करोड़ रुपए पड़े, जो भी पड़ा है उसके हिसाब से कितना आप ट्रेड मार सकते हो। यहाँ पे आप लॉट्स के मल्टीपल में, एग्जाम्पल निफ्टी के लिए तो हम 36 लॉट में सीधा एक बार में ट्रेड मार सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेड ऑल पे क्लिक कर दोगे तो एक नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, आप प्लेस ऑर्डर करोगे एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज इट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। सो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया है यार, प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की तरफ एक मिनट के लिए ध्यान ले लो। अगर मेरा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं पैसा बनाऊंगा ज्यादातर टाइम, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैंने आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन को बेच दिया, तो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन का मतलब क्या है कि जिसने पुट ऑप्शन खरीदा होगा, ये मैं सेल को बाय करता हूं आपके सामने, तो जिसने 17,950 का पुट ऑप्शन आज 15 रुपए में खरीद लिया, उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 17,935 से नीचे गिरेगी, उसके बाद ही उसे प्रॉफिट होगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 8% है। तो जिसने बेचा उसका 92% प्रॉफिट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, पैसे कमाने की संभावना ज्यादा है। बट अभी आप सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड नहीं मारोगे, आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ बोल रही होगी, कुछ ट्रेंड भी बन रहा होगा, मार्केट कुछ समझा रही होगी आपको, तो वो सब समझना है, आपके इंडिकेटर्स कुछ बता रहे होंगे। इनफैक्ट कमाल की बात बताऊं मैं आपको, इस सीरीज के अंदर हम इंडिकेटर्स भी कवर करेंगे, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज भी दूंगा, और मैं आपको जेन्युइनली दिखाऊंगा पैसा बनता कैसे है मार्केट से, और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के बारे में समझाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। बस इतना ही बोल सकता हूं मैं कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा, मेरे बेस्ट एफर्ट्स रहेंगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होगी और आपको कंसेप्ट भी समझ आएंगे। अब यहां पे हमें एक कंसेप्ट क्या समझ आया यार, खरीदने के लिए कम पैसा लगता है और बेचने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा बेच दो, ये नहीं बोल रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी ज्यादा होती है और फंड्स भी ज्यादा लगते हैं। तो जो बंदा कहेगा यार 1 लाख तो है नहीं तो मैं तो बेच ही नहीं पाऊंगा, 1 लाख तो है नहीं तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, बट यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्रूव करते हुए चलेंगे। अब आप समझो यहां पे 4,000 का ही मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों है, 4,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि जब आप बेच रहे हो, कोई यहां पे आप बेच रहे हो, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस बेच रहे हो, अगर आप इन द मनी बेचोगे ये देखो अच्छा पुट सेल कर रहे हैं तो आप इन द मनी जैसे जैसे बेचोगे तो आपका यहां पर आप देखो मैक्स प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा उसका आपको लॉजिक क्या है। तो अब यहां से ना मैं एक और लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, उस लॉजिक को समझते हैं पहले क्योंकि हमें डेल्टा को भी अपने फेवर में यूज करना है। कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, निफ्टी है 18,300, एग्जांपल अभी समझ लो 18,300 पे निफ्टी है, हम कहते हैं मार्केट में एक अच्छा मूव आया और निफ्टी यहां से 300 पॉइंट गिर गई, माय गॉड 300 पॉइंट। अब आप एक चीज देखना, अगर मैंने बाय किया होता ना तो क्या होता और मैंने सेल किया होता तो क्या होता, और हम ये मान के चलते हैं कि ये एक दिन में ही गिर गई। ऐसा तो हो सकता है ना कि एक दिन में 300 पॉइंट गिर जाए मार्केट, 300 पॉइंट बढ़ भी सकती है, 300 पॉइंट गिर भी सकती है, ऐसे होंगे रेयर चांसेस कि रोज 300 पॉइंट नहीं गिरने वाली, बट हम एक बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को जिसने समझा आप बहुत आगे बढ़ गए, बाकी सारे जो लोग मार्केट में हैं लोगों को इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसे समझो। अगर एक ही दिन में मूव आया और 300 पॉइंट मार्केट गिर गई, अभी गिरने की बात कर रहे हैं, बढ़ भी सकती है, तो 18 यही समझ लो, अभी 250 या 300 जो भी ले लो, अभी 300 पकड़ लो, आपने 300 का ही स्ट्राइक प्राइस देखा, 95 का है यहां पे, 105 का है, थोड़ा सा फर्क क्योंकि अभी मार्केट बंद हो चुकी है तो डेटा जो होगा लाइव मार्केट का ज्यादा बढ़िया अपडेट होता है। हम अभी 100-100 रुपए पकड़ के चल लेते हैं, 100 रुपए इधर है और 100 रुपए इधर है। अब समझना मेरी बात को, मार्केट गिर गई, बेसिक चीज की बात करते हैं,
एट द मनी पर आपने देखा पुट साइड और कॉल साइड, एग्जाम्पल के लिए दोनों 100 रुपया है, 100 रुपया प्रीमियम है, ठीक है, दोनों साइड 100 रुपया प्रीमियम है। डेल्टा दोनों का कितना है? डेल्टा दोनों का है 0.5 या 50, जो मर्जी बोल लो, एक ही बात है, 0.5 का डेल्टा है। तो अगर आपने खरीदा होता तो क्या होता? जैसे ही आपने खरीदा होता तो आपको डेल्टा के हिसाब से आपके पॉइंट बढ़ते हैं। तो यहां से एट द मनी से अगर एक पॉइंट मूव होगा तो आपको 50 पैसा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर दो पॉइंट मूव होगा तो ये 101 रुपए हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से 20 पॉइंट का मूव आएगा तो यू कैन कैलकुलेट कि आपका क्या क्या मूव आएगा। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि अगर 300 पॉइंट का मूव आ गया, आपने सिर्फ पुट ऑप्शन को यहां पे बाय किया था, सो आपका पैसा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। पर अगर आपने कॉल ऑप्शन को बेच दिया, आप इसे बेच भी सकते हो, ठीक है। ये देखो, अगर आपका अभी व्यू है मार्केट को लेके बेरिश, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपका मार्केट को लेके व्यू है बेरिश, आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी, तो अगर हमारा व्यू बेरिश है तो मैंने एक तो पुट ऑप्शन खरीद सकता हूं, दूसरा मैं कॉल ऑप्शन बेच सकता हूं। अब अगर मैंने एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बेच दिया तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रीमियम कितना? आपको मैक्सिमम प्रीमियम 121 रुपीज है। अब आप मेरी एक बात को समझो, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मार्केट गिर गई तो ये क्लोज टू जीरो हो जाएगा, फिर भी इसमें 2-4-10 रुपए कुछ तो बचेंगे, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मुझे मैक्सिमम 121 रुपए मिल सकता है। अगर मुझे मैक्सिमम ही 121 मिल सकता है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, इधर ये चार्ट को देखना जरूरी है। सो मार्केट यहां पर है अभी 270 पर है, मार्केट गिर गई, हमने बोला मार्केट आ गई 18,000 पर, तो भी आप देखो यहां पर बढ़ता 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 मुझे 5,000 से ऊपर नहीं मिल रहा। ये 5,600 रुपए जो है, ये 5,600 रुपए से ऊपर मुझे कुछ खास नहीं मिलेगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा भी टूट गई 6,000, खत्म बात। पर अगर मैंने इन द मनी बेच दिया, अभी बेचने से दो चीजें आ रही हैं, बेचने से एक तो थीटा मेरे फेवर में है, मैं आपको जो यहां पे कंसेप्ट समझाना चाह रहा था, चाहे मार्जिन ज्यादा लग रहा हो बट अभी हम सिर्फ बेचेंगे भी नहीं, अभी हम और भी कुछ करेंगे तो वो हम समझेंगे। सो अगर यहां से हमने, मैंने एग्जांपल लिया था 9:20 पे, आपने या तो खरीद लिया या बेच दिया, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और आप पूरा दिन निकल गया मार्केट का, और 2:20 पे आके देखते हो और मार्केट साइडवेज रहा, तो खरीदने पे तो आपको नुकसान हो जाएगा, पर बेचने पे अगर आपने सेल किया होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि चाहे मूवमेंट नहीं भी आया फिर भी थीटा आपके फेवर में था। अगर मूवमेंट आता है, मूवमेंट अच्छा आता है तो डेफिनेटली बाय करने पे आपको प्रॉफिट होगा, पर अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो बेचने पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बेचने पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है बेचने पे। देखो रोज तो 300 पॉइंट का मूव नहीं आना, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में रोज 1,000 पॉइंट का मूव नहीं आना, पर 1,000 पॉइंट का जिस दिन मूव आ गया उस दिन बल्ले बल्ले आपके डायरेक्शन में, आपके अगेंस्ट आए तो नुकसान हो जाएगा। सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आप डायरेक्शन पकड़ो, डायरेक्शन पकड़ने के बाद एक जर्नल मूव की हम एक एक्सपेक्टेशन करें तो निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूव डिसेंट है, बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का मूव डिसेंट मूव है, बहुत अच्छा मूव है। सो आप क्या करते हो, यहां पे आप चेंज कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ऊपर देखो यहां पे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में चूज कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं फिर निफ्टी भी चूज कर सकता हूं। सो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, मैं कॉल ऑप्शन को बेच सकता हूं और यहां पे एट द मनी पे बेचूंगा तो मुझे मैक्सिमम 4.7% आ रहा है, पर अगर मैं यहां पे चेंज करूं और मैं कॉल ऑप्शन जो है वो इन द मनी का बेचूं, यहां पे इन द मनी का बेचूं, ये देखो इन द मनी बेचा तो ये मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां पे मेरा मैक्स प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये मैं जितना इन द मनी बेच रहा हूं। और अब आप यहां पे एक सिंपल सी ये कैलकुलेशन देखो, यहां पे हमारा एट द मनी 43,200 है, 43,200 है, 43,200 का प्रीमियम है 275, ठीक है। तो यहां से एक एजम्पशन लेते हैं, हम बेरिश हैं अभी एग्जांपल के लिए मार्केट को लेके, कि मार्केट गिरेगी तो प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूं यहां से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया, अगर आप कहोगे 200 पॉइंट टूट गया तो यहां पे ध्यान देना चार्ट पे, 200 पॉइंट टूट गया,
हम कह रहे 43,000 आ गया, तो आपको प्रॉफिट आ रहा है 4400 या 4500 के नियर अबाउट। बट जैसे ही आप जाके बेचते हो इन द मनी, अगर आपने इन द मनी बेच दिया जिसका 405 का प्रीमियम है, अब आप क्या देखते हो यहां पे 43,000 पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 5400 का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहां से अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है, एग्जांपल के लिए आप कहते हो मार्केट पहुंच गई 42,500, अब 42,500 पे मार्केट में आपको 9,300 का प्रॉफिट है, और यहीं पे अगर आपने सिर्फ एट द मनी बेचा होता 42,500 पे, अगर मार्केट पहुंच भी जाती है तो यहां पे आपका 6,500 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा डेफिनेटली, मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। यहां पे एट द मनी का बेचने पर, ये देखो एट द मनी का बेचने पर मुझे 1.45 लाख का मार्जिन आ रहा है। ये हर दिन के हिसाब से अलग अलग आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट डेफिनेटली आपको अगर बेचना है तो आपको 1,40,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए। पर अगर आप इन द मनी भी बेचोगे तो आपका सिग्निफिकेंटली वो चेंज नहीं हो रहा। आप कहोगे जी मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी और मूव के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सो अब मैं आपको आ जाता हूं हमारे कंसेप्ट पे। अभी हम सिर्फ खरीदने बेचने पे, अभी हम सिर्फ नेक्ड खेल रहे हैं, अभी तो स्ट्रैटेजीज भी सीखना है। सो अगर आपको खरीदना हो, अगर आपको सिर्फ बाय करके चलना है, तो मैंने आपको बोला है आप कम से कम वन स्ट्राइक इन द मनी को खरीदिए, इन द मनी को खरीदिए। और मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप, और ये तब है जब आप डायरेक्शनल चल रहे हो, याद रखना ये डायरेक्शनल चल रहे हो, नॉन डायरेक्शनल की अलग स्ट्रैटेजीज है। बाय में तो सिर्फ डायरेक्शनल पे ही प्रॉफिट आएगा, तो सेल पे भी डायरेक्शनल पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन मतलब या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी बढ़ता है या तो गिरता है, अभी हम डायरेक्शनल चल रहे हैं। आप वन स्ट्राइक इन द मनी आप बाय कीजिए, और आउट ऑफ द मनी एटलीस्ट आप टू स्ट्राइक्स बेच दीजिए अगर आपको बेचना है तो। बट आप कहोगे सर अभी तो हमें और कुछ करना है, और कुछ क्या करना है, इसके बाद कुछ स्ट्रैटेजीज भी है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना समझना आपके लिए काफी था। अब इससे फायदा क्या है, अगर आप बाय कर रहे हो तो डेल्टा आपके थोड़ा सा फेवर में है, जब आप वन स्ट्राइक इन द मनी खरीदते हो आपको ज्यादा अच्छा फायदा होता है, आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और जब आप बेच के चलते हो और डायरेक्शनल चलते हो और दो स्ट्राइक, कम से कम दो स्ट्राइक आप इन द मनी बेच देते हो, होता क्या है वो एकदम से एट द मनी बन जाएगा अगर डायरेक्शन पे आया तो। आपने इन द मनी का कुछ बेचा था और वहां से आपके फेवर में चीजें जा रही है, तो पहले ये एटीएम बनेगा, फिर ये ओटीएम बन जाएगा, ये जो भी आपका स्ट्राइक होगा। और जैसे ही ऐसा होगा उसका डेल्टा भी चेंज हो जाएगा और वहां से प्रीमियम भी एरोड हो जाएंगे और आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में भी कोई कंफ्यूजन, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बड़े सरल लैंग्वेज में समझाया है, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। नहीं बना रहे तो चीजें एक बार में नहीं समझ आएंगी, नोट्स बना लो। इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाइव चल रही थी, लाइव वीडियो खत्म हो गई और बात खत्म हो गई। YouTube पे अवेलेबल है, 10 बार देखो, बट अपने क्लैरिटी लेकर आओ, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लेकर आओ। अब ये तो था नेक्ड ऑप्शन के ऊपर बात, इसके बाद आती है स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात, जो कि अब हम सीखेंगे अगली वीडियो में। सो आप बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके कुछ सवाल है कॉमेंट्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे फाइनली अगली वीडियोस के अंदर। आप इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक कर सकते हैं, और अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक वैल्यू पहुंचनी चाहिए। सेंसिबल को आज हमने यूज किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप स्टॉक्स पर जाकर डिस्काउंट ब्रोकर है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, और उस पर आप रेफरल अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। आप डेफिनेटली रेफरल अर्न के थ्रू भी पैसे कमाइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। So, एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको दे देता हूं। बोनस पॉइंट क्या था, अगर आपको ध्यान हो, हमने बात करी थी, अगर 300 का मूव आ जाता है निफ्टी में, एग्जांपल 1000 पॉइंट्स का मूव आ जाता है बैंक निफ्टी में, तो होता क्या है जनरली, अगर आप यहां पे अगेन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे मैं आ जाता हूं, जस्ट सी दिस, कि अगर इरोड होने के लिए प्रीमियम में वैल्यू ही नहीं होगी, मान लो मार्केट गिरने वाली है, गिरती है, तो यहां पे मैक्सिमम मैं 6,000 या 7,000 रुपए कमा पाऊंगा, 6,800 के नियर अबाउट। पर
अगर मैं इन द मनी बेचता हूं, जो मैंने आपको बेचने के लिए भी बोला है कि आप इन द मनी बेचिए, सो इन द मनी में यू हैव मोर प्रीमियम टू कलेक्ट फ्रॉम द मार्केट, और तभी आपको फायदा होगा कि आप थोड़ा सा प्रीमियम है आपके पास। पॉइंट्स के मूव आने से यहां पे कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको मैक्सिमम यही प्रॉफिट दे पाएगी। सो आप अगर थोड़ा इतना मनी बेचेंगे, कम से कम मैंने दो स्ट्राइक प्राइस बोला क्योंकि मूवमेंट के हिसाब से 1000 पाउंड का मूव रोज नहीं आएगा, पर अगर आपको 100, 200, 300 पाउंड का भी मूव आएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, प्रीमियम कुछ होगा तभी तो वो खत्म होगा। अगर प्रीमियम या आपने आउट ऑफ द मनी बेचा, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, अगर आपने आउट ऑफ द मनी बेचा, अभी मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पे ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को हम स्ट्रैटेजीज यूज करके बढ़ाएंगे आगे, पर अगर आपने आउट ऑफ द मनी बेचा जहां पे हो सकता है प्रीमियम बहुत कम हो, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बट जब हम एक डायरेक्शनल मूव की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मैक्सिमम यहां पर क्या है यार, 125,000 रुपए लगा के आप सिर्फ 1000 रुपए कमाओगे। अगर मूव आ भी गया तो सिर्फ ये 1000 रुपए ही तो आप कमा पाओगे। इसलिए मैंने आपको इन द मनी सेल करने के लिए बोला, इफ यू आर सेलिंग, सो दैट वाज अ बोनस पॉइंट फॉर यू ऑल। एंड अगर आप खरीद रहे हैं तो वन स्ट्राइक इन द मनी।